बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन D3 की आजकल काफी कमी है और हॉट टॉपिक है। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक लाइव रेडियो टॉक शो है, उस पर डिस्कशन चल रहा था कि विटामिन D3 की डिफिशिएंसी, और गेस्ट स्पीकर थे कोई, गालिबन बाहर के रहे होंगे वो, जो डॉक्टर थे और गालिबन सर्जन भी साथ में थे और डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जी विटामिन D3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कम है। और बार बार उनका थोड़ा सा एम्फेसाइज ये था कि ये लेडीज़ में कम है, और लेडीज़ चूंकि यहाँ कवर करती हैं अक्सर, इसलिए कम है विटामिन D3। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी घूम फिर कर, हालांकि ये फैक्ट नहीं है और कुछ सही है, लेकिन यह कि सारी चीज़ें इसी बात पर रख दी जाएँ कि चूंकि कवर करती हैं, ये सिर्फ लेडीज की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो मैं चूंकि लाइव टॉक शो होता है, आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने उनको कॉल की, अपने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। वाइटामिन D3 की डिफिशियंसी ग्लोबली इस होते हैं। दूसरी है, औरतों की सिर्फ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, मर्दों का बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है। यानी हमारे पास तो ऐसे ऐसे मर्द आते हैं उनके 4 विटामिन D3 का लेवल है, आप सोचें। तो ये मर्दों की प्रॉब्लम है। कितना हम सूरज से जो विटामिन D3 हमें मिलता है, वो सारा ऐसा नहीं है कि सूरज की कमी की वजह से हमें एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। वो तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार, आप 20-20 मिनट के लिए आप बैठ जाए उसमें, यानी कि आपके 20% बॉडी भी सिर्फ एक्सपोज हो। सो यू कैन हैव व्हाट यू नीड फ्रॉम द सन, आपको मिल जाता है जो कुछ सूरज से जरूरत होती है। प्रॉब्लम है क्यों विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो रही है, इसकी कुछ वजह है। एक तो प्रोसेस वायरस कहते हैं सल्फेशन एंड मेथिलेशन, जो लिवर से होता है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज है, उस वजह से हमारे खाने सही नहीं। फिर दूसरी ये कि हम अच्छी फैट नहीं ले रहे, क्योंकि अच्छी फैट चाहिए होती है विटामिन D3 को मेटाबोलाइज करने के लिए सूरज से, वो हम ले नहीं रहे। हम खराब फैट, रिफाइंड ऑयल्स लेते रहते हैं, अच्छी फैट को हमने छोड़ दिया। अच्छी फैट खाइए, देसी घी खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, थोड़ा मक्खन भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, दूध भी पीजिए। अच्छी फैट है ये, जब हमारे बॉडी में होती है तो विटामिन D3 पूरी तरह से प्रॉपरली सिंथेसाइज होती है। वी नीड गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए होती है, इसकी प्रेजेंस में विटामिन D3 सिंथेसाइज होती है। हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL ज्यादा है, HDL कम है, जिसकी वजह से पूरा सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसको जहन में रखना चाहिए। विटामिन डी थ्री जब भी लें, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो हम कभी भी इसको एडवाइज नहीं करते कि विटामिन D3 की 50,000 इंटरनेशनल यूनिट डोज किसी को दी जाए। एक ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है, डॉक्टर्स को आप देखें जब भी प्रेस्क्राइब होगी 50,000-60,000 वीकली प्रेस्क्राइब होगी, हम इसको मना करते हैं। देखिए उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो ये कि आप कुछ रोजाना उसको दे दीजिए विटामिन D3, 5,000 IU दे दें, वरना मेंटेन करने के लिए किसी का ठीक है उसको 1,000-2,000 IU भी काफी होती है। ये ना करें कि 50,000-60,000 वीकली एक हॉरेंडस अमाउंट दे दें, बल्कि कुछ लोग तो अब ये भी करें कि शॉर्ट्स लगाते हैं, यानी मोर देन 200,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की होती है। नहीं, क्यों मना करते हैं उसको? उसकी वजह है दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे कि सेब फायदे की चीज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सेब फायदे की चीज़ है, तो भाई आप एक दो सेब रोजाना खाओ, क्या जरूरत है कि हफ्ते में आप 16 सेब एक दिन में खा रहे हैं। तो आप रोजाना एक दो सेब खाएंगे तो बॉडी उसको ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि विटामिन D3 क्या करती है कि विटामिन D3 जब हम लेते हैं तो कैल्शियम का एक्यूमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन या अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच इज ओके। तो ये एक वजह ये भी है जिसकी वजह से विटामिन D3 दी जाती है, कहीं बोन्स कमजोर हो रही है इसके वो हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कैल्शियम को कहाँ जाना चाहिए? कैल्शियम को बोन्स के अंदर जाना चाहिए। बोन्स के अंदर कैल्शियम जाए इसको डायरेक्ट करने के लिए विटामिन K2 की प्रेजेंस जरूरी है, विटामिन K2 होना जरूरी है। इसलिए जो नेचुरल जो सोर्सेस हैं विटामिन D3 से मिलती है, उसके अंदर विटामिन K2 भी अल्लाह ने रखा है ऑलरेडी। लेकिन चूंकि हम अभी विटामिन D3 तो ले रहे हैं, उसके साथ विटामिन K2 नहीं लेते, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम है बहुत ज्यादा मौजूद है, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, बोन्स में नहीं जा रहा था, सॉफ्ट टिश्यू में जाता है।
कभी कभी आर्टरीज में भी जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन अनवांटेड हो रही है बहुत सारे। मैं आपको यानी कि आप खुद उसको इसका आप टाइप करिए रिलेशनशिप को, आप गूगल करिए विटामिन D3 एंड विटामिन K2, ये दोनों का रिलेशनशिप आपको पता चले कितना जरूरी है। अगर आप विटामिन D3 ले रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि यू टेक विटामिन K2। इसकी भी एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म है विटामिन K2 की, NK7 कहलाती है। तो उसमें देखें NK7 लिखा हुआ विटामिन K2 का। अच्छा, विटामिन K2 लेना है, विटामिन K अलग चीज है, विटामिन K1 अलग चीज है, आपको विटामिन K2 लेना है। तो लिहाजा विटामिन D3 बहुत फायदे की चीज है, लेनी चाहिए, इसको कम इसको जरूर लें। सुपीरियर एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे काम है इसके, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करती है, और डिफिशियंसी बहुत कॉमन है इस वक्त, जरूर लें। दो चीज मैंने आपको कही, एक तो बजाय इसके 50,000 एक साथ लें, अब रोजाना कुछ डोसेज लें कम, दूसरे विटामिन K2 उसके साथ जरूर लें। ये दो चीजें इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा।